दर्गा खादिम यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालय समोर उपोषण केलंय. मोहम्मद इरफान शाह बियाबानी यांनी उत्सव सदर करण्याची परवानगी वक्फ बोर्डाकडे मागितली होती, मात्र ती नाकारण्यात आली. त्यामुळे इरफान शाह व त्यांच्या इतर साथीदारांनी आयुक्तांना रितसर पत्र देऊन उपोषण करण्याची माहिती दिली होती. दरम्यान या प्रकरणी प्रशासनातर्फे कोणतेही ठोस पाऊल उचलण्यात न आल्याने नाईलाजास्तव इरफान शाह यांना मागणी आहे की वक्फ बोर्ड ने जो बने हजरत बनिया दरगाह रहमतुल्लाह अली जो वक्फ बोर्ड ने ताबा ले चुका है और फिर भी जियाउद्दीन और वहाँ पर जो गैर कानूनी लोग बैठे हुए हैं वही उरस कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड उसको कुछ उरस नहीं कर रहा. इसलिए बनी हजरत जो है मेरे दादा और परदादा है उनकी नस्ल से हमें और मेरे दादा इस्माइल शाह बियाबानी इसका उरस करते थे. तो इसलिए ये उरस की परमिशन ये वक्फ बोर्ड करना जिसने ताबा लिया हुआ या फिर मुझे करने देना ये वक्फ बोर्ड उरस और संदल मेरी यही डिमांड है. अगर डिमांड पूरी नहीं होगी तो क्या फिर क्या रहेंगे आपको? जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं होगी मैं इसी तरह यहाँ पर बैठा रहूँगा और गवर्नमेंट से अपील करता रहूँगा. इन्होंने कई कंप्लेन की है, हर अधिकारी के पास जा जाकर अधिक कंप्लेन की है. इन्होंने बोले भाई परवानगी तो हमारे उरस की धार्मिक स्थान है, वो दे सकते हैं वक्फ बोर्ड वाले. वक्फ बोर्ड को परवानगी देने में कोई हर्ज नहीं है, दे सकते हैं वो, क्यों धार्मिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान है, वो कोई भी आएगा इबादत करेगा वो करेंगे और जाएंगे वहाँ से. लेकिन ये लोग जो है तो चक्रा मारने लगा रहे हैं, ये बार बार मार मार के ये अरेंजमेंट हो रहा है. तो गवर्नमेंट अधिकारी को और गवर्नमेंट भी समझना चाहिए इसके बारे में कि भाई ये आज उनका उरस है, ये बच्चा तलमल कर रहा, वहाँ पर जा रहा आ रहा भाग रहा दौड़ रहा, उसके बावजूद भी इसकी कोई वहाँ पर सुनवाई हो नहीं रही है. तो हमारा यही कहना है कि भाई इसको जल्द से जल्द परवानगी मिलना चाहिए और अगर नहीं मिलती है तो वो यहाँ बैठे रहेंगे. आप इरफान शाह यांनी आपल्या निवेदनात जियाउद्दीन यांचा दरगाह हजरत बनेमिया यांच्या वंशासोबत कोणताही संबंध नसतानाही किंवा ते मुजावर सज्जत नशीब नसतानाही ते दरग्याची मिळकत आपली असल्याची खोटी माहिती सांगत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केलाय. उपोषणास इरफान बियाबानी यांच्या बरोबर इतर जण देखील उपस्थित होते. प्रतिनिधी इम्रान शेखचा आधार न्यूज मुंबई एक्स. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आधार न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका.